सलामुन अलैकुम। इस वक्त हम नजफ से करबला के रास्ते पर और दौरान मशी एक मौला का खादिम इमाम हुसैन का खादिम हमें अपने घर पर लेके जा रहा है। और यहाँ इस बस्ती में कि जहाँ मौला के चाहने वाले रहते हैं, और यहाँ जितनी भी बस्तियाँ पड़ती हैं नजफ से करबला के रास्ते में, जब मशी होती है तो शाम के वक्त उस बस्ती के रहने वाले मोमिनीन वहाँ मशी के दौरान आके खड़े हो जाते हैं और आने आने वाले ज़ायरीन से मुबीत मुबीत कहकर उसको दावत देते हैं कि आप ज़ब्बारे हुसैन हैं, हमारे घर तशरीफ़ लाएं और हमारे घर आज रात मेहमान रहें। मैंने एक मोमिन से पूछा कि ये बताएं कि आप इस तरीके से किसी अनजान आदमी को, अनजान शख्स को अपने घर कैसे लेके जाते हैं। तो उस खादिम ने जवाब दिया, उस मोमिन ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन का ज़ाहिर कभी अनजान नहीं होता, उसे मौला पहचानते हैं, और जिस ज़ाहिर को ख़ुद मौला पहचानते हो वो अनजान नहीं होता। दुनिया में भी अनजान नहीं होता, वो आखिरत में भी अनजान नहीं होता। लिहाजा आपको कोई पहचानता हो ना पहचानता हो, आप हुसैन के ज़ाहिर हैं, हुसैन आपको पहचानते हैं। तो अभी हम गाड़ी में हैं और ये बंदे खुदा अपनी गाड़ी लेकर आए थे और इन्होंने हमें अपनी गाड़ी में सवार किया और अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ज़ब्बारों की खिदमत करते हैं, मौला इनके खिदमतों को कबूल करें और सबको मोमिनीन को इस करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। ये वो घर है कि जिसे मोमिनीन के लिए इस वक्त आमादा तैयार किया है, और ये मोमिनीन यहाँ पर ज़ायरीन को लाए हैं और यहाँ पर रुकने का आराम का इंतज़ाम है।